दुश्मनी उसके बेटे के साथ क्यों निकल रहे हो? उसके बेटे को मत घसीटो इसमें सेना साहब, ये तो मामूली लड़ाई है। यार वकील, किसने कहा तुझे कि ये सिर्फ मामूली लड़ाई का मामला है? हाँ, दिन दहाड़े बीच रास्ते पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, ये गंभीर केस है। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। डोंट डू दिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देख वकील, उसके डिफेंस में तुझे जो करना है कर, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। चलता हूं। सर, जब किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की तो केस किस लिए बना रहे हैं सर? तुम अपने काम पर ध्यान दो। किसने कहा उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है? दर्ज हो चुकी है। मैं आई कम इन डॉक्टर, सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है, आप कैसे हो? आप बिजी तो नहीं है ना? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना शिनॉय सर? सीरियस मतलब थोड़ा सीरियस ही है। कल जो हुआ वहाँ आप भी मौजूद थे, आपको तो सब पता ही है। अगर उस चोर की औलाद को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो और मुसीबत खड़ी करेगा। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर अपनी दीपिका बेटी फॉर्मल कंप्लेंट भी देगी तो केस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट इतना रेस्पॉन्सिबल होगा ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, एक बार अपनी बेटी से बात करके देखता हूँ। मेरे हिसाब से इसे हम बड़े ही सुलझा ले तो अच्छा होगा। एक बार पूछ लेते हैं ना उससे। यस यस, बिकॉज शी इज द विक्टिम। पूछिए, पूछिए उससे। डॉक्टर रामनाथ। लीजिए आ गई। आपको जो भी पूछना है आप खुद ही पूछ लीजिए। तुम ठीक तो हो ना बेटी? वैसे मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। इस हालत में कुछ भी पूछना सही तो नहीं होगा, पर इंसाफ तो होना ही चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि तुम आदि के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दे ही दो। कंप्लेंट? किस बात की कंप्लेंट? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। विक्रम और आदि दोनों ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये तो आपको पता ही है ना। अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ही हैंडल कर लेंगे। फ्रेंड्स है ना, पर उसने विक्रम को कितनी बुरी तरह मारा देखा ना। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो विक्रम को भी सजा मिलनी चाहिए। उसी ने तो ओवर रिएक्ट किया और आदि पर हाथ उठाया। I'm sorry. चाय पीकर जाइए ना। तुम्हें गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। सॉरी सॉरी मुझसे मत करो, जा उनसे माफी मांगो।